हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स मेक। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ गुलाब जामुन केक। तो शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल में आधा कप कंडेंस मिल्क ले लिया है। अब मैं कंडेंस मिल्क में 1/4 कप ऑयल मिला रही हूँ और आधा कप इसमें मैं मिल्क मिला रही हूँ। अब जितने भी लिक्विड इंग्रेडिएंट्स है मैं सबको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। फिर मैं एक एक करके इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालूंगी। अब मैं इसमें 1 कप मैदा डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच वेनिला एसेंस डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसके बदले इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे और अच्छे से फ्लेवर आएगा, फ्रेग्रेंस आएगी। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और तब तक फेंटते रहिए जब तक कि इसमें अच्छे से स्मूथ कंसिस्टेंसी ना आ जाए। ये देखिए बैटर बिल्कुल रेडी है और कितनी अच्छी स्मूथ कंसिस्टेंसी आई है इसमें। तो मोल्ड के लिए मैंने अब मोल्ड में अच्छे से हर जगह ऑयल लगा लिया है। अब मैं इसमें 2 चम्मच के करीब मैदा डाल रही हूँ और मैदे को मैं अच्छे से हर जगह फैला दूंगी। अच्छे से पूरी जगह मैदा फैला लीजिए, इससे आपका केक बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो अब मेरा मोल्ड बिल्कुल रेडी है, तो इसमें मैं अच्छे से पूरा केक का बैटर पोर कर लूंगी और अब मैं मोल्ड को थोड़ा सा टैप कर लूंगी ताकि इसमें जितनी भी एयर बबल्स है वो पूरी निकल जाए। तो बेकिंग के लिए मैं सबसे पहले कुकर की सीटी हटा दे रही हूँ और अब मैं कुकर को एकदम लो मीडियम पे चालू कर रही हूँ। बिल्कुल एकदम धीमी आंच पे आपको केक को पकाना है। अब मैं कुकर के बीचों बीच टिफिन का ये ढक्कन रख रही हूँ। आप चाहे तो कोई सी प्लेट भी ले सकते हैं जो थोड़ी सी गहरी हो। कुकर का ढक्कन बंद करके 5 से 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने दीजिए। तो 10 मिनट बाद अब मेरा कुकर अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। तो कुकर के बीचों बीच जहाँ पे मैंने टिफिन का ढक्कन रखा हुआ था उसके ऊपर मैं अब अपना मोल्ड रख दूंगी। कुकर का ढक्कन बंद करके अब मैं 35 से 40 मिनट के लिए केक को बेक होने दूंगी। 40 मिनट हो चुके हैं। अब मैं केक में टूथपिक डाल के चेक करूंगी कि मेरा केक रेडी है कि नहीं। ये देखिए टूथपिक एकदम क्लीन निकल के आई है, इसका मतलब कि केक रेडी है। अब मैं केक को नाइफ की हेल्प से डीमोल्ड कर लूंगी। एकदम गरम गरम केक को डीमोल्ड मत कीजिएगा वरना आपका केक चिपक जाएगा मोल्ड में ही। अच्छे से नाइफ को हर जगह मोल्ड पे चलाएं ताकि कहीं से भी केक चिपका ना रह जाए। एकदम गरम गरम भी केक को डीमोल्ड मत कीजिएगा और एकदम ठंडा होने के बाद भी केक को डीमोल्ड मत कीजिएगा वरना दोनों कंडीशन में आपका केक चिपका रह जाएगा मोल्ड में। अब मैं केक दूसरी प्लेट में पलटा ले रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कितना परफेक्टली ये बेक हुआ है। ये जो व्हाइट व्हाइट केक पे लगा हुआ है वो सिर्फ मैदा है, तो आप इसको नाइफ की हेल्प से भी अच्छे से साफ कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे करके आप आराम से इसको साफ कर सकते हैं, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका केक इस पे बिल्कुल खराब नहीं होगा। स्पंज अब बिल्कुल रेडी है और इसे अब मैं ढक के 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए और आइसिंग आराम से हो। तो ये देखिए अब मेरा स्पंज बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं आइसिंग के लिए विप क्रीम रेडी कर लेती हूँ। मैं पैकेट विप्ड क्रीम यूज कर रही हूँ। यहाँ मैंने 1.5 कप विप्ड क्रीम ली है। आप चाहे तो हैंड विस्कर भी यूज कर सकते हैं पर यहाँ पे मैं मशीन यूज कर रही हूँ। अब मैं क्रीम में 1 ड्रॉप येलो कलर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई सा भी एसेंस भी इसमें यूज कर सकते हैं पर मैं इसमें कोई एसेंस यूज नहीं कर रही हूँ। क्रीम में जब तक पीक्स ना बनने लगे आप अच्छे से क्रीम को फेंटते रहिए। केक आइसिंग के लिए मैंने फ्लैट बाउल ले लिया है और फ्लैट प्लेट ले ली है। बाउल के ऊपर प्लेट रख दीजिए और देखिए प्लेट के ऊपर अब मैं स्पंज रख रही हूँ और स्पंज का मैं सबसे ऊपर का पार्ट काट रही हूँ। सबसे पहले मैं साइड साइड का पार्ट काटूंगी, फिर मैं उसके बाद मिडिल का पार्ट काटूंगी। ये देखिए अभी अच्छे से कट चुका है, जितना पतला हो सके आप उतना पतला काटने की इसको कोशिश कीजिए। अब मैं नीचे का पार्ट काटूंगी। बॉटम का पार्ट काटने के लिए भी मैं सबसे पहले साइड साइड का काटूंगी फिर उसके बाद बीच से कट लगाऊंगी। और ये देखिए नीचे का पार्ट भी अब कट चुका है। अब मैं केक में मार्क लगाऊंगी ताकि एक एक लेयर अच्छे से कटे और एकदम सिमिलर लेयर्स मुझे मिले। फर्स्ट लेयर को काटने के लिए भी मैं साइड साइड का पहले काटूंगी फिर उसके बाद बीच में कट लगाऊंगी। इससे कटिंग करने में बहुत ही आसानी मिलती है और इजिली अच्छे से केक कट हो जाता है। ये देखिए मेरी फर्स्ट लेयर अब बिल्कुल कट के रेडी हो चुकी है। अब मैं बाकी सारी लेयर्स को भी ऐसे ही कट कर लूंगी। अब मैं फर्स्ट लेयर में मिल्क और शुगर का मिक्सचर डाल रही हूँ, इससे मेरा केक बहुत ही सॉफ्ट आएगा और बहुत ही अच्छे इसमें फ्लेवर आएगा। अब मैं स्पंज के ऊपर विप्ड क्रीम लगा रही हूँ। सब जगह अच्छे से विप्ड क्रीम फैला लीजिए।
बहुत सारी व्हिप्ड क्रीम लीजिए और अच्छे से इसको हर जगह फैला लीजिए। जितना प्लेन हो सके उतना प्लेन व्हिप्ड क्रीम को करने की कोशिश कीजिएगा। अब जितने अच्छे से व्हिप क्रीम फैलाएंगे और अच्छे से इसको प्लेन कर देंगे उतने अच्छे आपके लेयर बैठेंगे और उतने अच्छे आपकी आइसिंग होगी और उतना अच्छा आपका केक बनेगा। तो ये देखिए, अब व्हिप्ड क्रीम के ऊपर मैं ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। आप चाहे तो कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने उनको छोटा छोटा बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब मैं ड्राई फ्रूट्स के ऊपर कटे हुए गुलाब जामुन डाल रही हूँ। ये गुलाब जामुन को मैंने मिल्क और शुगर के मिक्सचर में डाल के रखा था ताकि गुलाब जामुन अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब मैं गुलाब जामुन के ऊपर सेकेंड लेयर रख रही हूँ। दूसरी लेयर को पहली लेयर के एकदम ऊपर रखिएगा, इससे आपकी आइसिंग बहुत अच्छी होगी। अब मैं वही प्रोसेस फिर से रिपीट करूंगी जो मैंने फर्स्ट लेयर पे की थी। लास्ट लेयर के ऊपर भी मैं शुगर और मिल्क का मिक्सचर डाल रही हूं। पहले मैं पूरे केक को अच्छे से क्रीम से कवर कर लूंगी, फिर इसके बाद मैं एक्स्ट्रा क्रीम लगा के पूरे केक को अच्छे से शेप दूंगी। पहले स्पंज को क्रीम से अच्छे से कवर कर लेने से इसके बिल्कुल क्रम्स नहीं निकलते हैं और आपकी आइसिंग बहुत अच्छी होती है। अच्छी फिनिशिंग के लिए बार बार अपनी नाइफ को धोते रहें और अपनी नाइफ को अच्छे से कपड़े से साफ करते रहें ताकि बहुत अच्छी फिनिशिंग आए और आपका केक का शेप बहुत अच्छा आए। ये देखिए, साइड का पैटर्न देने के लिए मैंने इसको कागज से बनाया है। पेपर को ऐसे पकड़ के केक के पास ले जाके इसको अच्छे से घुमा दीजिए और आपका पैटर्न रेडी हो जाएगा। ये देखिए, पैटर्न अब बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं केक को एक प्लेट से दूसरी प्लेट में रख दूंगी। तो जिस प्लेट में केक रखा हुआ है उस प्लेट को किसी से अच्छे से पकड़वा लीजिए, फिर उसके बाद नाइफ की हेल्प से पहले पूरे केक को अच्छे से साफ कीजिए। अब केक को बिल्कुल आराम से बीच से उठा के दूसरी प्लेट में रख दीजिए। ये देखिए, करना बहुत इजी है पर बहुत आराम से करना पड़ता है। अब मैं केक के ऊपर स्टार नोजल से फ्लावर्स बना रही हूँ। आप चाहें तो कोई सा भी पैटर्न बना सकते हैं, आपको जो पसंद आए। अब मैं फ्लावर्स के ऊपर कटे हुए गुलाब जामुन रख रही हूँ। अब मैं बीच में रबड़ी डाल रही हूँ। अब मैं केक के हर जगह पे ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। आप कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से चॉप कर लिया है। आप चाहे तो कैसे भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो ये देखिए, मेरा केक अब बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।